एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है ओनली आईएएस के चैनल के ऊपर। हमारी कोशिश है कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के सारे किताबें पढ़ा दी जाए, इतिहास की सारी किताबें पढ़ा दी जाए। तो इसके लिए हमने क्लास 6 का हिस्ट्री हिस्ट्री को सिलेक्ट किया है और इसका सबसे पहला लेसन आपके सामने है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सवाल के साथ इस चैप्टर का स्टार्ट किया गया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टार्ट करते हैं रसीदा का सवाल से। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एक रसीदा नाम की लड़की है तो अचानक इसकी नज़र एक अखबार के सुर्खियों पर पड़ती है 100 साल पहले, इस तरह से। तो वह सोचने लगती है कि इतने साल पुराने चीज़ों को कैसे हम जान सकते हैं। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं, इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अभी क्या है ना कि हम रेडियो से, टेलीविज़न से, अखबार से बहुत सारी सूचनाएं पढ़ते हैं, जान जाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में 100 साल पहले, 500 साल पहले, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, आखेटक, शिकारी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है, उनके बारे में हम जान सकते हैं, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार। तो अलग अलग लोग, ये लोग क्या क्या काम करते थे, किस तरीके से करते थे, हम लोग जान सकते हैं उनके बारे में। संगीतकार, वैज्ञानिक, ये सब एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। कौन से खिलौने इस्तेमाल करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, कौन सा गीत गाते थे, ये सब जान सकते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे ये भी जान सकते हैं। देखिए एक चित्र यहाँ पर है, मानचित्र एक, सबसे पहला चित्र इस किताब का, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो हमारे देश में सबसे पहला नर्मदा नदी के किनारे जो है आबादी देखी गई है, और ये आबादियाँ सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे है। मानचित्र एक में आप नर्मदा नदी को देखो, सबसे पहले आखेटक यानी कि जो आदि मानव थे, जो जमा करके चीज़ों को पेट भरते थे, शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे, जिसका सबसे पहला सबूत हमको नर्मदा नदी के किनारे जो है मिला है, ठीक है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उसी नक्शे में मानचित्र एक में सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ, वहाँ पर भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी सबसे पहले लोगों के यहाँ पर रहने के साक्ष मिले। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों की उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय वाले जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले यहाँ पर आदि मानव के सबूत मिले, आदि मानव यहाँ पर रहते थे। और दूसरा जो इंसानों का सबूत मिला हमारे यहाँ, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। जम्मू कश्मीर में सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें उपजा करने का, फसल पैदा करने का साक्ष्य मिला है। रहने का साक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे और खाने पीने की चीज़ों के पैदा करने का साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर के सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के आसपास, आज का बलूचिस्तान वाला इलाके में। तो यहाँ से हमको कुछ साक्ष्य मिला है। तो ये नक्शा यहाँ पर है, इस नक्शे को यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का सबसे पहला नक्शा है। इस नक्शे में बताया गया है कि सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ बलूचिस्तान आज का पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, और नर्मदा नदी का इलाका जो है मध्य प्रदेश के इलाके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम नर्मदा नदी को देख सकते हैं, यहाँ पर इसको जूम करके देखना पड़ेगा, वैसे इस मैप को गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, चूँकि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको दक्षिण एशिया बोला जाता है, और इसमें तकरीबन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और इसमें अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सब पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में इतने सारे देश आ जाते हैं, जैसे दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और इसमें अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सारे देशों को, सारे पड़ोसी देशों को दक्षिण एशिया कहा जाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप छोटा सा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहने का वजह यह है क्योंकि एक तरफ ये लैंड मासेस से घिरा हुआ है, मतलब एक तरफ लैंड है, दूसरी तरफ क्या है,
एक बहुत बड़ा भाग इनका जो है तटीय है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। मतलब हम बात करें तो भारत की बात करें तो एक पूरब में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी भी है। तो इस तरीके से जो दो ओशियन को ये इलाका कवर करता है, ठीक है, और जो चाइना वाला जो इलाका है वो पैसिफिक 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 को भी थोड़ा सा कवर करता है। तो ओवरऑल इस इलाके को दक्षिण एशिया कहा जाता है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु नदी वो नदी है जहाँ से भारत की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके बारे में पता करो। 4700 साल पहले इस नदी के किनारे जो है एक बहुत विकसित संस्कृति रहा करती थी जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। गंगा नदी भी एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन नदी है जहाँ से इंसानों की आबादी बसना स्टार्ट हुआ, और गंगा हमारे इतिहास की बहुत सारी गाथाओं का बयान करता है। तो इसके आसपास में ही से बसना स्टार्ट हुआ, यहीं से आबादियाँ बसना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे शहर बसना स्टार्ट हुआ। तो बिहार जो अभी जो एक स्टेट का नाम है, प्राचीन काल में विहार उस स्थान को कहते थे जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो मॉन्क होते थे, मॉन्क जो पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे, वो मॉन्क ईश्वर का ध्यान करते थे। तो विहार एक जगह होता था जहाँ पर बैठ करके वो ईश्वर का ध्यान करते थे, तो उसे कहा जाता था विहार। अब ये शब्द विहार एक राज्य के लिए इस्तेमाल होने लगा, उसी विहार से आज बन गया बिहार, ठीक है। तो पहले ये विहार किसी रहने की जगह के लिए इस्तेमाल होता था और ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो मॉन्क जिस जगह पर रहते थे उस जगह को विहार कहा जाता था। तो आज ये विहार एक स्टेट का नाम बिहार के रूप में चेंज हो गया। तो बहुत शक्तिशाली शासक यहाँ पर एक हो चुका है जैसे कि मगध, चंद्रगुप्त मौर्य। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। हिमालय से ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुंदर, हर तरह के जोखिम उठाकर लोगों ने एक से एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा की है। तो लोग काम की तलाश में यात्रा करते होंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्रा करते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी से मिलने के लिए यात्रा करते होंगे, या फिर कोई किसी दूसरे का टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए, लूट मार करने के लिए यात्रा करते होंगे। तो अलग अलग रीजन होगा लोगों का यात्रा करने का, ठीक है, या फिर कोई अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते होंगे। तो यात्रा करने का सिलसिला कई सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देश का नाम अगर हम बात करें, हमारे देश इंडिया, इंडिया का नाम इंडस नदी से ही निकला है। इंडस नदी से ही इंडिया शब्द निकल के आया है, और चूंकि इंडस नदी के किनारे जो बस्ती बसी थी, इंडिया इंडिया उन्हीं से जोड़ करके देखा जाता है। सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है, इंडस से ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। तो एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखो, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस इन लोगों ने नाम दिया। मतलब यूनान और ईरानियों ने सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को सबसे पहले इन लोगों ने इंदू कहा था। वही इंदू फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिंधु हो गया, और वही इंदू से फिर हिंदू हो गया। समझ में आ रही बात? यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो बस्ती बसी थी इस देश में, सिंधु नदी के किनारे जो बस्ती बसी थी, ये आज का हिंदू वर्ड्स उसी सिंधु नदी के नाम से जुड़ा हुआ है। आज का ये वर्ड हिंदू सिंधु नदी के नाम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो बस्ती यहाँ पर बसी थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, और सिंधु नदी को ईरानियों ने और यूनानियों ने इसका नाम इंडोस दिया, ठीक है, इंडोस। और इंडोस इनका नाम उन्होंने अपने लैंग्वेज में दिया, इनको हिंदोस भी कहते हैं। हिंदोस कहते हैं ईरानी लोग और इंडोस कहते हैं यूनानी लोग। तो हिंडोस से हिंदू वर्ड्स भी ऑरिजिनेट हुआ, ठीक है, और इंडोस ये यूनानी अपनी भाषा में कहते थे। तो भूमि फिर इसको इंडिया कहा जाने लगा, यानी कि हमारे देश को यानी कि इंडिया फिर कहा जाने लगा, ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग, अभी भारत नाम का प्रयोग फिर एक बहुत बड़े उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के इलाके पे एक भरत नाम का राजा का शासन हुआ। भरत नाम के राजा से ये भारत शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, भरत नाम के राजा से ये भारत शब्द जुड़ा हुआ है। और इंडिया का शब्द जो जुड़ा है ये इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के नाम से जोड़कर उसको देखा जाता है। और जो हिंदू शब्द है ये इंदू नदी से जुड़ा हुआ ही कोई शब्द है, यानी कि हिंदू अभी कोई
एज ए रिलीजन फॉलो किया जाता है, लेकिन ये रिलीजन नहीं है। हिंदू एक नेचर ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टाइल है, ठीक है। एक्चुअली धर्म सनातन है, सनातन धर्म होता है। धर्म सनातन होता है जो सदा से है, जो सच्चाई के ऊपर आधारित है। हिंदू एक वे ऑफ लिविंग है, हिंदू रिलीजन नहीं है, ये हिंदू पंडित भी जानते होंगे। तो भारत नाम का प्रयोग ख़ास तौर से एक राजा भरत के नाम से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर भारत में एक राजपाट कायम कर चुका था। अब देखिए, ऋग वैदिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ, ये वही सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे थे, उन्हीं लोगों ने वैदिक सभ्यता यानी कि ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद की रचना की इन्हीं लोगों ने वैदिक सभ्यता का जो है कह सकते हैं कि स्टार्ट किया। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब जो वक्त बीत गया उसके बारे में हम कैसे जाने, तो उसके जानने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हम पुस्तक ढूंढ सकते हैं, क्या उस ज़माने में कोई पुस्तक लिखी गई थी, कोई किताबें लिखी गई थी, कोई धार्मिक किताबें या कोई पांडुलिपि, या किसी ने हाथ से कुछ लिखा था, तो वो हम ढूंढ सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस ज़माने में क्या घटना घटी होगी, ठीक है। और ये शब्द जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई कुछ रचना होती है, मतलब किसी ने अपने हाथ से कुछ लिखा अपने भाषा में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये दो शब्द से बना है। पहला शब्द है मैनू, जिसका अर्थ होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जिसका अर्थ होता है मैनू मतलब हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब लेखनी, मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। यानी कि पांडुलिपियाँ हाथ से जो तैयार करते थे ये लोग, कुछ ताड़पत्रों या फिर कुछ ऐसे जो जिस पर लिखी जा सकती है, ऐसे चीज़ों पर ये लिखा करते थे, ठीक है। तो पांडुलिपियाँ और मैन्यूस्क्रिप्ट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो एक यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट का एक दिया गया है यहाँ पर तस्वीर, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ मिलती है, ये मंदिरों में, बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में हमें ये मिलेंगी, और इनसे बहुत सारी धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इतिहास जानने का हमें एक स्रोत, हमें धार्मिक ग्रंथ, किताब, मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपियों को हमने देखा, ठीक है। अगर उस ज़माने से में वो लिखा गया हो या फिर अभी तक वो प्रोटेक्टेड है, तो उससे उसके मदद से हम जान सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल किसी राजा के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान, ये सभी विषय, ठीक है, ये सभी विषय के बारे में चर्चा मिलती है पांडुलिपियाँ में। ये सब के बारे में चर्चा मिलती है, किसी राजा ने अपने राजपाट के बारे में लिखाया, किसी विशेष औषधियों के विषय में किसी ने जानकारी हासिल की, विज्ञान के बारे में किसी ने जाना, तो उसने जो जाना उसको उसने अपने भाषा में लिखा। और चूँकि हमारे देश में महाकाव्य है, महाकाव्य महाभारत के रचना को महाकाव्य कहा जाता है, कविताएं हैं, नाटक है, ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम वेद, फिर बहुत सारे उपन्यास, ये सब हजारों हजार साल पुराना है। तो इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। और बहुत सारे तमिल संस्कृत ग्रंथ है, प्राकृत में लिखे हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है। तो अभिलेखों और फिर अभिलेख बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने गुणगान, अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा बयान करने के लिए बहुत सारी जगह पर जो है अभिलेख लिखवाए। जैसे कि अशोक ने कई जगह पर जो अभिलेख लिखवाए, 13 13 अभिलेख अशोक का प्राप्त हुआ है अलग अलग जगह पर, ठीक है। सारनाथ में भी अभिलेख अशोक का प्राप्त हुआ है, जहाँ पर उसने बहुत सारी अपने राजपाट से संबंधित कुछ चीज़ें ब्राह्मी भाषा में लिखी है, ठीक है। तो ये है अभिलेख। अभिलेख दीवारों पर लिखा जाता था या पत्थरों पर लिखा जाता था, ठीक है। तो अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देखकर लोग पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय को लिखा जोखा, मतलब कोई भी राजा अगर कोई अभिलेख लिखवाएगा तो उस अभिलेख में वो अपनी प्रशंसा ही लिखवाएगा। मतलब अभिलेख में हम सिर्फ एक साइड की ही बात जान सकते हैं, ठीक है, दूसरी साइड की बात नहीं जान सकते। यानी कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो तो अभिलेख में नहीं लिखाएगा। अभिलेख में लिखाने वाला, जाहिर सी बात है, वो शक्तिशाली होगा, और जो वो लिखवाएगा वो अपनी प्रशंसा, वो अपनी तारीफ ही लिखवाएगा।
तो अशोक, वैसे अशोक में, अशोक के बारे में कहा जाता है कि जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जगह जगह पर अभिलेख लिखवाए, और अपने जो उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें थी वो सबको बताना चाहते थे, जो कि सब तक वो नहीं पहुंच सकता था। तो उन्होंने अभिलेख के माध्यम से ये बातें सब तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, तो लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख जो ऊपर दिया गया था, ये अभिलेख बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान वाले इलाका में अरामिक लैंग्वेज में मिलता है, ब्राह्मी लिपि में मिलता है, और प्राकृत में भी मिलता है। तो बहुत अलग अलग जगह पर जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा का इस्तेमाल करके अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आपसे तुमसे पूछ रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। हाँ, बहुत साधारण सा सवाल है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि ये बहुत लंबा टाइम तक ये मैं जाने वाला नहीं था, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु अतीत में वनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। अब अभिलेखों के बारे में या पुराने चीज़ों के बारे में इतिहास को खोजने के लिए जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को खोजते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद यानी कि पुराने चीज़ों की खोज करके इतिहास को जन्म करने वाला व्यक्ति, उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद क्या करते हैं, ईंट से बनी इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, ये सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, और फिर उससे पता लगाते हैं कि ये कितना हज़ार कितना साल पुराना है, और फिर उससे वो इतिहास का जो है आकलन करते हैं। हथियार, वर्तमान, आभूषण, सिक्के, प्राप्ति, ये सब छानबीन करके जो कुछ भी मिलता है उससे इतिहास को जिंदा करने में मदद मिलती है। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियाँ, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है। अतीत में लोग क्या खाते थे, वनस्पतियों के अवशेष बहुत से बच पाते थे, बहुत कम बच पाते, यानी कि जो चीज़ खाने पीने की थी वो बहुत कम बच पाते थे, जो चीज़ बच पाते थे उससे जुड़ी हुई चीज़ों को खोज करके थी पुरातत्वविद खोजकर्ताओं ने इतिहास को जो है जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, दाएँ और पुरानी चांदी का सिक्का, तो ये तस्वीर में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तस्वीर इसका बना हुआ है। तो पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं। धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं, अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो सुराग लगाते हैं, पता करते हैं चीज़ों के बारे में, और उनके बारे में स्टडी करने के बाद फिर उसको लिखते हैं। अतीत एक या अनेक, तो अतीत एक या अनेक ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस दौर में जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा पूरी तरीके से वो अपनी तारीफ़ें और अपनी तरह की चीज़ें वो लिखवाएगा, और जिनके ऊपर जिनका जिन जिन पर उन्होंने राज्य किया या जिन पर उन्होंने अत्याचार किया या फिर जो भी गलत काम किया, तो एक पहलू तो उसका छिपा हुआ रह जाएगा, और जो ताकतवर शक्तिशाली लोग होंगे वो बढ़ चढ़ करके अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा जो है बढ़ा चढ़ा करके लिख जाएंगे। जो एक जो समाज जो सप्रेस होगा उसकी चीज़ें सामने नहीं आ पाएगी, और जो जो समाज का सुपीरियर तबका होगा वो अपनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोलने में और आगे बढ़कर वो चीज़ों को लाने में कामयाब होंगे। जबकि इतिहास को इसी तरीके से हम देखते हैं कि इतिहास में ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों का चर्चा होता है, राजा का चर्चा ज़्यादा होता है, ताकतवर लोगों का चर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उन्हीं लोगों से मिलता जुलता चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती है, आम लोगों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। तो इतिहास पढ़ने के वक्त में हमें ये बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं इतिहास के कई सारे और भी पहलू हैं, क्योंकि समाज में एक तरह के लोग नहीं रहते, कई तरह के लोग रहते हैं, तो हर तरह के लोग उनके जीवन उनके सारे सिचुएशन को समझते हुए इतिहास का हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई व्यापारी है, बहुत तरह के लोग अलग अलग परेशानियों के शिकार होते हैं, तो इतिहास का एक पहलू हमेशा छिपा हुआ रहता है। जो पहलू हमारे सामने होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और जो छिपा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार करते थे, रीति रिवाज का पालन करते थे। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग आज भी भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अतीत के अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपने बीजों का लेखा चुका, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो अपनी तरह अपनी बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखा देगा, जिसके ऊपर
सप्रेस किया, जिसको दबाया, उसके बारे में वो नहीं लिखेगा। तिथियों का मतलब, अब तिथियों का चूंकि एक यहाँ पर मतलब इस तरह समझिए कि ईसा पूर्व और ईसवी सन, ठीक है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के पहले, और ईसा ईसवी सदी यानी कि ईसा के जन्म के बाद, इस तरह से लिया जाता है। तो आज से तकरीबन 2000 साल पहले ईसा का जन्म माना जाता है, ठीक है। अभी 2022 है, तो यानी कि ईसा का जन्म का भी डेट हो गया 2022 साल, ठीक है। तो तिथियां निकालने का, ईसा मसीह के जन्म से ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईसा सन ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी सन को बोलते हैं एडी, एमिनो डोमेनी, ठीक है। इसको लिया गया है ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी सन, ठीक है। तो बीसी और एडी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम डेट निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे बहुत सारी लिपियों को अभी तक हम नहीं पढ़ सके हैं, जैसे हड़प्पा के बारे में नहीं पढ़ सके हैं। जो कुछ हड़प्पा सभ्यता से जो कुछ जो भी लिपियाँ मिली है, उन लिपियों के बारे में अभी नहीं पढ़ सके। लिपि मतलब लिखावट, ठीक है, राइटिंग, अभी नहीं पढ़ सके। तो ये एक बात हुई। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट लगभग हो गया है, ठीक है। तो अज्ञात लिपि हम बता चुके हैं हड़प्पा है, और कुछ कुछ ऐसे लिपि है जो मतलब पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। पिक्टोग्राफी की लिपि है, उसमें पिक्चर देख करके समझना पड़ता है कि ये क्या बयां कर रही है, क्या है। ऐसा ही कुछ मिला है यूनान से, ठीक है, मिस्र से, इस तरह की कुछ है, राजा रानियों की कहानी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसे फ्रेम में इसको रखा गया है जिसे कारतूस कहा जाता है। विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेत को अलग अलग रखे हुए हैं। मिस्री अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है, जैसा कि तुम देख सकते हो, या एल अक्षर के लिए शेर, मतलब पूरी तरीके से अस्पष्ट नहीं है, ठीक है। जो लिखा हुआ है ये भी पूरी तरीके से अस्पष्ट नहीं है कि हाँ यही इसका मतलब है। तो अब आपसे एक सवाल पूछ रहा है, कल्पना करो अगर तुम एक पुरातत्वविद हो। पुरातत्वविद मतलब वो व्यक्ति जो पुराने चीज़ों का खोज करता है, जासूसी करता है, और फिर इतिहास का अनुमान लगाता है। अगर तुम उसका साक्षात्कार करोगे, मतलब उससे इंटरव्यू लोगे, तुम क्या उनसे 5 सवाल पूछोगे, ये सोचने को कहा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखने के लिए शुक्रिया।